लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों ने आम नागरिकों की जेब में डाका डालना शुरू कर दिया है। तेल के दामों को कम करने की मांग को लेकर राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की ओर से केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन किया गया। शैलेंद्र तिवारी के नेतृत्व में संविधान चौक से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक यह मोर्चा निकाला गया है। शैलेंद्र तिवारी के नेतृत्व में संविधान चौक से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक मोर्चा भी निकाला गया। ज्ञापन देकर दाम कम करने की मांग भी की गई। तिवारी ने कहा कि जब से केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार आई है, तब से यह सरकार गरीबों का खून चूसने का काम कर रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बेकाबू हो गए और जिसने जनता महंगाई से भी त्रस्त है। अनेक युवाओं की नौकरी चली गई है, साथ ही अनेक लोग बेरोजगार भी है, जिससे आम जनता महंगाई से परेशान हो चुकी है। बावजूद इसके सरकार को कोई लेन देन ही नहीं। बाजार में तेल की कीमतें कम हो गई है, उसके बावजूद मोदी सरकार नहीं कम कर रही, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आपने पिछले कुछ दिनों से जैसा देखा कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है तब से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते चले गए हैं, बढ़ गए हैं। गरीबों को किसी भी प्रकार का, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने किसी प्रकार की छूट नहीं दी है। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, सरकार इसके ऊपर में कुछ कदम नहीं उठा रही है। इसलिए आज राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से हम लोग यहाँ पर आज आंदोलन करने, हम लोग यहाँ पर सड़क पे उतरे हैं। राज्य भर में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से आज आंदोलन किया जा रहा है। अमरावती, वाशिम, मुंबई, सभी जगहों में हम लोग यहाँ पर राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से आंदोलन कर रहे हैं और नागपुर में भी आज हम संविधान चौक से जिलाधिकारी मुख्य मोर्चा हम लोग यहाँ पर आज निकाल रहे हैं। हम लोग यहाँ पर बाइक को लेकर, पैदल बाइक को लेकर हम लोग आज यहाँ पर मोर्चा निकाल रहे हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट, BCN न्यूज़ नागपुर।